नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। आप कॉल करिए और आप एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि आप मार्केट में सबसे बेहतर ट्रेड कहां पर कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर बंपर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बंपर जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, क्रूड 3290 के स्तर पर बिकवाली करिए। 3200 का टारगेट होगा, 3340 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, निकिल, और यहां पे 800 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 815 का टारगेट होगा, 790 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कॉपर 399 के भाव पर बाई करें। 405 का टारगेट होगा, 396 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं रुपए की। रुपए की कीमतों में आज ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है। रुपया 17 पैसे कमज़ोर होकर 68.73 के स्तर पर बंद हुआ है। अगस्त 2013 के बाद रुपए का ये सबसे निचला स्तर है। और आपको बता दें कि आज इंट्राडे में रुपए ने 68.85 के रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर लिया था। तो रिकॉर्ड गिरावट आज यहां पर दिखी है। और डॉलर के मुकाबले इस महीने रुपया करीब 3% तक लुढ़क चुका है। और ये आप चार्ट के जरिए भी रुपए की चाल को समझ सकते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दीपक अग्रवाल हैं, करेंसी मार्केट के हेड कार्बी कॉम्ट्रेड के हैदराबाद से। और साथ ही हमारे साथ रुपी पर बात करने के लिए तरुण सत्संगी हैं, ग्लोब कमोडिटीज़ के। और साथ ही हमारे साथ कौशल जैनी और अजय बहती भी हैं, जो आपको बताएंगे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल दीपक अग्रवाल आपसे ये होगा, जो रुपए में आज गिरावट आई है, जिस तरह से भारी गिरावट आई है, क्या ये गिरावट अभी आपको कंटिन्यू दिख रही है या फिर आपको लगता है क्या बॉटम बन रहा है? गुड आफ्टरनून सभी को। अपने देख रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि डॉलर INR अपने रिकॉर्ड हाईस को टेस्ट कर गया है। 68.86 जो प्रीवियस हाई आज का है तो उसको सब निकाल दिया है। अभी अपने देखे कि एक डॉलर इंडेक्स में ऑल टाइम हाई चल रहा है, मीन्स 52 हाई के आसपास चल रहा है। अभी 10164 के आसपास है, मल्टी मंथ ब्रेकआउट चल रहा है। तो डॉलर इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इंपोर्टर्स और बैंक कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। बट अपने देखे सब इंटरवेंशन आया RBI की तरफ से 68.80 पे, बट 66-67 एक स्ट्रांग जोन चल रहा था डॉलर INR का। उसके बाद अपने एक देखे ट्रायंगल ब्रेकआउट आया जो कि अपना ऑल टाइम हाई के टेस्ट कर गया है। यहाँ पे अपने देखेंगे कि थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, बट ओवरऑल अभी भी अपने स्ट्रांग ही देख रहे हैं डॉलर INR को। 69-69.45 ये सब लेवल टेस्ट कर सकता है, वो भी इमीडिएट फ्यूचर में। और डॉलर इंडेक्स 104-105 ठीक है, हाँ, टॉप का जो ब्रेकआउट था वहां पे टेस्ट किया जा सकता है। ओके, तरुण आपका व्यू क्या होगा रुपए को लेकर, आपका इमीडिएट टारगेट रुपए को लेकर क्या है? हाय, गुड इवनिंग रतन जी। जैसे अपने पैनलिस्ट ने बोला, देखिए वीकनेस रुपए में जो है वो कंटिन्यू करेगा। दो EMs जो करेंसी है उनके कंपैरिजन में हमारे करेंसी ने अभी भी आउट परफॉर्म किया है, अगर हम नवंबर मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें। बट यहाँ पर जो रुपए में गिरावट आ रहा है वो मोर ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से आ रहा है। 500 और 1000 के करेंसी था जिसका लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने बन के उससे ये आशंका जताई जा रही है कि FY17 में जो ग्रोथ है वो 1-2% पॉइंट कम हो सकता है। एंड बिजनेस जो अफेक्टेड है उनका सीधा रिएक्शन कॉर्पोरेट पर आ सकता है, जिसके कारण से हमने रुपए में गिरावट देखा है। आज RBI की तरफ से थोड़ा इंटरवेंशन हुआ था जिसकी वजह से मॉर्निंग में 20 पैसे का हमने रिलीफ देखा। बट हमारा ऐसा मानना भी नियर टर्म में पेन कंटिन्यू करेगा एंड प्रॉब्ली 69.50 और इवन 70 रुपये के प्राइस आ सकते हैं डॉलर के कंपैरिजन में। वहां पर हो सकता है कि रुपया थोड़ा बॉटम आउट हो, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीक होने की आशंका ज्यादा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ अजय बहती भी हैं। अजय बहती, आपका कमेंट क्या होगा? जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है, आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि अभी गिरावट और बढ़ सकती है? बिल्कुल मृत्युंजय, वीकनेस अभी भी कुछ कम नहीं हुई है। हालांकि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आज हमने जरूर देखा है, लेकिन मुझे लगता है अपसाइड डाउनसाइड में अभी भी 69.30 तक स्कोप डेफिनेटली है। वहां जाकर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की उम्मीद हम कर सकते हैं।
ओके कौशल, आपका कमेंट रुपए के ऊपर? मृत्युंजय, स्पेशली जो ना यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसके बाद में डॉलर में इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आई हुई है, उसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड अदर देन यूएस की करेंसीज को हम लोग ने देखा है कि वीकनिंग होती हुई दिखाई दे रही हुई है। ज़्यादा एक वीकनेस अभी तक कंटिन्यू कर सकती जब तक यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो तकरीबन 100 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये कंटिन्यू करेगी, तो हमारे हिसाब से अभी भी वीकनेस कंटिन्यू कर सकती है। 68 जो रुपये का लेवल था वो अगर तोड़ता तो थोड़ी कम मजबूती आ सकती है रुपी के अंदर, वरना हमको जैसे बाकी सबने बताया 69 के लेवल्स, 69.50 के लेवल्स छू सकती है। ठीक है दीपक अग्रवाल, जो लोग करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनाना बेहतर रहेगा अभी, क्योंकि काफी फ्लक्चुएशन है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? अभी भी हम लोग कंटिन्यूअसली इंपोर्टर्स को बाई सजेस्ट कर रहे हैं, बट एट नॉट करंट मार्केट प्राइस 68.22 जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था जून 2006 का, तो उसके आसपास 68 से 68.40 के बीच में अपने लोग एंटर एक लॉन्ग ट्रेड फिर से एंटर किया जा सकता है, जो कि अपने 69.45 तक लेवल्स देख सकते हैं। सो अभी भी कंटिन्यू बाइंग सजेस्ट किया जा रहा है अपने तरफ से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने सजेस्ट किया है बाइंग इम्पोर्टर्स को, लेकिन तरुण कुछ लोग 70 की भी बात भी कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि 70 का टारगेट आ सकता है रुपये में? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है 69.50 या 70 का स्तर रुपी में आ जाए, बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लेवल सस्टेन करना करेगा या नहीं करेगा ये एक एक्चुअली मटेरियल फैक्ट है। हमको ऐसा लगता है कि वो लेवल अगर आ भी जाते हैं तो वो सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से आरबीआई ने इंटरवीन किया तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो वॉलेटिलिटी को टेम करना चाहते हैं, और जब नॉर्मली आरबीआई एक्टिव हो जाए तो हम देखते हैं कि 50 पैसे 1 पैसे मैक्सिमम 1.5 रुपए के 1 रुपए या 1.5 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं वो अपना गिरावट का माहौल छोड़ देता है एंड बैक टू मीन हो जाता है। तो हमको ये लगता है 70 ऑनवर्ड्स जब आएगा प्राइस उसके बाद में रुपये में हम फिर अप्रिसिएशन या रिलीज कर लिया हुए। चलिए शुक्रिया तरुण आपका और दीपक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और रुपए के ऊपर अपना आउटलुक बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अगर हम देखें तो रुपए में जिस तरह से गिरावट आई उसका कोई हालांकि बड़ा फायदा बुलियन मार्केट को नहीं मिला है। आमतौर पर कमज़ोर रुपए से गोल्ड में तेज़ी आती है, लेकिन गोल्ड की कीमतें अभी भी दबाव में हैं। क्या व्यू है आपका अजय गोल्ड को लेकर, क्या करना चाहिए आज इवनिंग मार्केट में गोल्ड में? सबसे पहले तो मृत्युंजय आज शाम में आज ऑब्वियसली यूएस मार्केट्स बंद है थैंक्सगिविंग डे के तौर पे, तो मुझे लगता है सबसे पहले वोलेटिलिटी आज कम रहेगी। अगर ओवरऑल गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो वीकनेस अभी भी जारी है, अभी भी कोई स्ट्रांग रिवर्सल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है M6 गोल्ड पर भी अगर कोई उछाल मिले तो बिकवाली की सलाह दूंगा। अपसाइड में 28,850 के करीब अगर उछाल मिलता है तो बिकवाली करके चले, मुझे लगता है एक बार फिर से 28,550 तक का लेवल हमें नीचे देखने मिल सकता है। ठीक है कौशल, आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है आज? मृत्यु जी हमको लगता है गोल्ड में काफी हद तक सेलिंग हो चुकी है, 1160 डॉलर है तो वहां पे काफी सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है, तो हमको लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से 20 से 30 डॉलर की एक बाउंस बैक रैली आ सकती है गोल्ड के अंदर, और जो वीकनिंग जो रुपी है वो कुछ हद तक सपोर्ट और कर सकते हैं, अगर 69.50 आसपास रुपी अगर वीकन फर्दर होता है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्राइसेस में और अच्छा उछाल आ सकता है, तो हमको नहीं लगता यहाँ से डॉलर वाइज गोल्ड में ज़्यादा गिरावट है। 1200 के लेवल्स अभी छू सकते, तो हमारे हिसाब से 28,850 तोड़ता है तो बाय करना चाहिए 29,100-200 के टारगेट के लिए। ठीक है चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ महेश हैं बाराबंकी से, मेंथा पर इनका सवाल है, पूछिए महेश। जी सर नमस्ते। नमस्ते पूछिए। जी सर दिसंबर अंत तक क्या मेंथा में 1150 का स्तर मुमकिन है? 1150 का स्तर क्या दिसंबर के आखिर तक आप देख पा रहे हैं अजय? मेंथा में आज करीब 2% ऊपर बंद हुआ ये काउंटर। अगर अगले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो मुझे लगता है अपसाइड में 1050-1060 तक का स्तर देख सकते हैं। अगर बड़े स्ट्रक्चरली बात करें तो मेंथा डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में ही है, डिप पर बाइंग की सलाह दूंगा। क्रिटिकल लेवल अपसाइड में जो इनको देखना पड़ेगा वो है 1000 का, अगर 1000 के ऊपर भाव चल पड़ता है तो डेफिनेटली तेजी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अरविंद हैं MP से और जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अरविंद। हेलो जी पूछें। जी सर मैं MP धार से बात कर रहा हूँ। जी बोलें। जी
पूछिए पूछिए जी। जिंक में सर आगे कैसे क्या करना चाहिए? जिंक में कैसा रहेगा जिंक का? हाँ ठीक है, जिंक का आउटलुक आपको कौशल कैसा दिख रहा है? सभी बेस मेटल्स का आउटलुक पॉजिटिव है, हमको लगता है कि अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। तो जिंक में भी हमको लगता है कि 188-189 के लेवल्स छू सकता है, जब तक 182 के लेवल्स होल्ड करता है तब तक उसके पहले हम लोग को इतनी बड़ी सेलफ नहीं लगती है। आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि जो पॉलिसीज बनाएंगे वो बेटर रहेगा उनकी इकोनॉमी के लिए और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसकी वजह से सब बेस मेटल्स में हम लोग ने देखा काफ़ी हद तक बाइंग आई है। तो जिंक में तकरीबन 185 पे बाइंग करना चाहिए 183 के स्टॉप लॉस के साथ में 188 के टारगेट के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 188 का टारगेट जिंक में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नज़र बना कर चल सकते हैं। फिलहाल 185 के ऊपर है और करीब 125 रुपये की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। अगले कॉलर हमारे साथ पवन है चंदोसी से, पूछिए पवन। 925 रुपये की मैन था, दिसंबर की ले रखी है मैंने दो लॉट। ठीक है, क्या करना चाहिए इनको अमित? मृत्युंजय आउटलुक तेजी का ही है मेंथा ऑयल पे, तो इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस ये 905 या फिर 895 का रख सकते हैं, ये करंट मंथ के लेवल से जो मैं भी दे रहा हूँ। अपसाइड में शॉर्ट टर्म में 955-960 है, लेकिन ओवरऑल टारगेट हमारा 1060 का है।